क्रिसमस और नए साल के मौके पर हॉलीडे प्लान कर रहे हैं तो महंगी हवाई यात्रा के लिए तैयार रहिए। तमाम एयरलाइंस कंपनियों ने घरेलू उड़ानों के टिकट काफी महंगे कर दिए हैं। लोगों का मानना है कि सरकार का कोई नियंत्रण न होने से एयरलाइंस कंपनियां मनमानी कर रही हैं। दिवाली और ईद के बाद अब सर्दियों की छुट्टी में एयरलाइंस कंपनियों की जेब गर्म होने वाली है। मांग बढ़ती देख एयरलाइनों ने किरायों में कई गुना बढ़ोतरी कर दी है। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी टूरिस्ट लोकेशन की टिकटों में की गई है। अभी मैं किसी के लिए चेक कर रहा था अंडमान निकोबार आइलैंड के, तो एयर फेयर था 57,000 रुपीस और फिर भी सीट्स अवेलेबल नहीं थी, और इससे आधे में आदमी लंदन जाके वापस आ सकता है। विमान कंपनियों का कारोबार डिमांड और सप्लाई के नियम पर चलता है, यानी मांग ज्यादा तो किराया भी ज्यादा, लेकिन किराया कितना ज्यादा इसकी कोई सीमा नहीं और न ही सरकार का कोई सीधा नियंत्रण। एक नजर डालिए अगले तीन दिनों में दिल्ली से दूसरे शहरों के किराए पर। ये अधिकतम दरें इकोनॉमी क्लास की सीटों की हैं। मेरा लिमिट है कि कहां तक मैं वहां सफर कर लूं, किस हदूद के, किस किराए के हदूद तक करूं। ये रोज रोज बढ़ाते हैं, कभी घटाते हैं। अब फेस्टिवल टाइम है, उनका बहुत ही ज्यादा हो जाता है, तो एक हिसाब से जब कवर अप करना पड़ता है लॉस को, तो कुछ हाइक तो कर सकते हैं वो लोग, लेकिन उसमें एक रेगुलेशन तो होना जरूरी है। चार साल के अंदर घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 1.5 करोड़ से बढ़कर 5 करोड़ तक पहुंच गई है। किराए पर नियंत्रण के लिए सरकार जल्द ही एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का गठन भी करने जा रही है। इसके बावजूद किरायों में तुरंत कमी आने की उम्मीद कम है। विनोद अग्रहरी, जी न्यूज़, दिल्ली।